स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल टेक्निकल बोलो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने Gmail पर जो भी मैसेज आता है उस मैसेज को हिंदी में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये जो हमारा Gmail पर मैसेज आता है उस मैसेज को हम हिंदी में कैसे करेंगे। तो दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से Gmail के मैसेज को हिंदी में किया जाता है, उसके लिए हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि Gmail के मैसेज को कैसे हिंदी में किया जाता है। आज मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबा दीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीमेल को हिंदी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है। जी हाँ फ्रेंड, जो जीमेल अकाउंट है उसको आपको ओपन करना है। अब जैसे ही जीमेल पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको साइड में एक लोगो दिखेगा। जो भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वह लोगो दिखेगा। जिस जीमेल आईडी का मैसेज आप हिंदी में करना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में एक जीमेल आएगा। इसका आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में रखना है, बाकी जीमेल जितने भी होंगे वह सब आपको नीचे दिखेंगे। यदि सारे का भाषा हिंदी करना चाहते हैं तो पारापारी सबको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस जीमेल को सिलेक्ट कर लिया हूँ, इस पर बताता हूँ आप समझ जाइएगा। यहाँ नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा, एक बार इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे नीचे आपको जाना है। नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनरल परफॉर्मेंस फॉर द वेब, और यहां पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। यहां बगल में एरो दिखेगा, एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट होगा, यहाँ पेंसिल का आइकन होगा, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंटर लैंग्वेज पे क्लिक करना है और अपनी भाषा जो भी है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मेरी भाषा हिंदी चाहता हूँ तो हिंदी पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन देखने को मिलता होगा तो ठीक है, यदि आपको इंग्लिश का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर लैंग्वेज पर क्लिक कर आपको इसको भी हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इतना काम करना है और आपको बैक हो जाना है। उसके बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है। अब जैसे ही जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे अब आपके जीमेल पर कोई मैसेज आएगा तो वह मैसेज फ्रेंड आपको हिंदी में आएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का आएगा। देख सकते हैं कि सारा कुछ हिंदी में लिखा होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मैसेज इतने सारे पड़े हुए हैं, यह सारी भाषा इंग्लिश है, आपको नहीं समझ में आ रही है कि आखिर यह इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है, आपको थोड़ी देर स्क्रीन को दबा कर रखना है। जैसे दबा कर रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सिंपली कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपने गूगल में जाना है, गूगल पे क्लिक करना है। जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, गूगल पे क्लिक कर यहाँ पे अनुवाद लिखना है, अनुवाद पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अनुवाद पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे दबा के रखना है और उस भाषा को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं कि मैंने अपने जो भी वहाँ से उठाया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें इसको हिंदी में करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर हिंदी आ जाएगा तो इसको हिंदी पे सिलेक्ट कर देंगे। अब थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है और उसकी सारी भाषा यहाँ पर हिंदी हो गई है। तो आप इस तरीके से भी अपने जीमेल पर क्या लिखा हुआ है ये सारा चीज़ हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी दे रहा था। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।